और 20 तस्वीरें देखने के बाद मुजफ्फरनगर की बात, एक बारात यहां वापस लौट गई। लड़की वालों ने बारात के लिए अच्छा इंतजाम किया था, खाने में कई तरह के पकवान भी बनाए थे, लेकिन दूल्हे राजा ने शादी से इनकार कर दिया। और वजह सिर्फ इतनी कि बारात को शादी में नॉनवेज खाना चाहिए था। दुल्हन ने क्या किया फिर उसके बाद दूल्हे के साथ, ये रिपोर्ट आप देखिए। नॉन वेज नहीं मिला तो दुल्हन नहीं कबूल। दूल्हे का दिल दुल्हन पर नहीं, नॉन वेज पर आया। मीट भी चाहिए बोलो अजी, जड़े क्या कही चाह रहा था उन्हें तो। मुजफ्फरनगर का ये दूल्हा मटर पनीर नहीं, नॉन वेज मांगता है। वो बाइक मांग रहे थे, बॉस की रोटी मांग रहे थे, हमारा इतना नहीं जानना था। दावत में नॉनवेज नहीं तो बारात वापस। नहीं मिला मीट बाजार में, दुल्हन बिना लौटी बारात। मुजफ्फरनगर के करहेड़ा में बारात को दावत में नॉनवेज नहीं मिलने की वजह से दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया। लड़की वालों की ओर से खाने में सिर्फ शाकाहारी व्यंजन ही परोसे जा रहे थे। मटर पनीर, दाल मखनी, मशरूम और तमाम तरह की सब्जियां भी रूठे दूल्हे को नहीं मना पाई। बारातियों ने शाकाहारी भोजन करने से इनकार कर दिया और बिना खाए वापस लौट गए। लड़की तो हमने सर वहाँ यूं नहीं भेजी कि वे लड़की को सारी उम्र परेशान करते। मोटरसाइकिल बड़ी चाह रही है जी, बड़ी का मेरा बहुत नहीं। मीट की भी, हाँ जी मीट भी चाहिए बोलो अजी, जड़े क्या कही चाह रहा था उन्हें तो। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि गांव में पंचायत बुलाई गई और पुलिस को भी बुलाया गया। नाराज दूल्हे ने मोटरसाइकिल की जगह कार की डिमांड कर दी। ये बात दुल्हन के कानों तक पहुंची तो दुल्हन ने लालची दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद बारात में आए दूसरे लड़के से लड़की का निकाह करा दिया गया। वहाँ दूसरी बारात आई थी, वहाँ तेज के ऊपर खाने के ऊपर जो बात है वहाँ बात खराब हो गई, तो मेरे घर को ने मेरी साथ इसकी शादी तय कर दी। अब मैं इसे बहुत खुश रखूँ, बस मैं इसके साथ खुश हूँ। लालची थे, वो बाइक मांग रहे थे, बॉस की रोटी मांग रहे थे, हमारा इतना नहीं जानना था, इसलिए मैंने शादी को इनकार कर दिया। मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के शहरों में अवैध बूचड़खानों में तालाबंदी के कारण मांस की दुकानें बंद हैं और मीट के दाम भी कई गुना बढ़ गए हैं। इस वजह से लड़की वाले मीट का इंतजाम नहीं कर पाए। बारात लौट गई, लेकिन गांव के लोग दुल्हन की दिलेरी की तारीफ कर रहे हैं। दहेज के नाम ब्लैकमेल करने वालों को मुजफ्फरनगर की दुल्हन ने अच्छा सबक दिया है। अंकित मित्तल, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर। क्या सॉरी से सहानुभूति की सियासत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? पहले गलती पर गलती और उसके बाद माफी पर माफी, केजरीवाल हो या फिर उनके डेप्यूटी मनीष सिसोदिया, दोनों ही पहले गलती करते हैं और उसके बाद भूल सुधारने की बात करते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि जनता कब तक गलतियां झेलेगी। खुद अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं के नाम एक पत्र लिखा जिसमें ये बात मानी कि उन्होंने गलतियां की और अब काम पर ध्यान देने की जरूरत है, बहानेबाजी नहीं चलेगी। तो दूसरी तरफ दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने अन्ना हजारे को ट्विटर पर फ्रॉड बता दिया, हालांकि बाद में उसे हटा भी दिया। कल रात मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें अन्ना हजारे को फ्रॉड कहा गया। सवाल यह कि कब तक आम आदमी पार्टी के ये बड़े नेता गलतियां करते रहेंगे, माफी मांगते रहेंगे। सवाल यह भी है कि क्या हार के बाद सॉरी कहकर सहानुभूति की सियासत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं के नाम चिट्ठी को ट्वीट किया है और इस चिट्ठी में लिखा है कि उन्होंने गलतियां की हैं, अब आत्ममंथन करेंगे, सुधार करेंगे। केजरीवाल ने लिखा कि बहाने बनाने का नहीं बल्कि काम करने की जरूरत है। केजरीवाल ने यह भी लिखा कि अब ब्लैक बोर्ड पर फिर से शुरुआत करने का वक्त है। पूरी चिट्ठी में क्या क्या है आप सुनिए। पिछले दो दिनों में मैंने कई कार्यकर्ताओं और वोटरों से बात की, सच्चाई बिल्कुल साफ है। हाँ, हमने गलतियां की, पर हम आत्ममंथन करेंगे और उसे सुधारेंगे। वक्त आ गया है कि फिर से शुरुआत की जाए। ऐसा नहीं है कि ये बेवकूफी होगी, हम खुद के लिए जवाबदेह हैं। जरूरत है कि काम करें और बहाना ना करें। दोबारा काम करने का वक्त आ गया है और अगर हम समय समय पर फिसले भी हैं, अहम ये होगा कि हम खुद को पहचानें और उठ खड़े हों और वापसी करें। जनता इससे कम की हकदार नहीं है, सिर्फ एक ही चीज अटल है और वो है बदलाव।
तो पहले गलती पर गलती करना और उसके बाद उस गलती की बात मानना। केजरीवाल की चिट्ठी को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने स्टंट बताया। जी न्यूज से खास बातचीत में मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली की जनता को केजरीवाल की असलियत समझ आ चुकी है। मनोज तिवारी ने पूछा कि आखिर आजादी की मांग का समर्थन करने वाले केजरीवाल सुकमा के शहीदों को लेकर अब तक क्यों कुछ नहीं कह पाए। हमारे साथ मनोज तिवारी है। मनोज जी, ये पहली बार नहीं है जब अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी है, इसके पहले भी कई बार वो माफी मांगते रहे हैं और इसके पहले जब माफी मांगी तो जनता ने माफ भी कर दिया था और 67 सीटें भी दी थी। आपको लग रहा है कि जनता कितनी बार माफ करेगी? ये एक स्टंट है अरविंद केजरीवाल का, चूंकि अब अरविंद केजरीवाल का कुर्सी खिसक रहा है, कोई बचा नहीं सकता। इनके अपने लोग भी, जो लोग थोड़ा जनता के प्रति अच्छा भाव रखते हैं, जनता की तकलीफों को समझते हैं, वो भी इनके खिलाफ खड़े हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि जनता इनके खिलाफ है, क्योंकि इन्होंने जनता को धमकी दी, बद्दुआएं दी, शराब दिया। अब ये कितनी बार माफी मांगेंगे? बनारस गए लड़ने तो माफी, ठुल्ला कहा तो माफी, किसी को गाली दे दिया तो माफी, 49 दिन की सरकार कांग्रेस के साथ बना ली तो माफी। तो ऐसे माफी मांग करके और आप लगातार पाप करते जाओ तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। अगर तुमको माफी मांगना है तो हवाला कारोबारी संतोष जैन को अपने सीने से चिपकाए हो, उस पर तुम्हारा क्या विचार है? अगर तुम जरा भी फील करना चाहते तो 97 करोड़ जनता के पैसे वापस करने हैं, उस पर तुम्हारा क्या विचार है? आप जल्दी करो भैया। आप ये जो जनता के जेब पे डाके डाले हो, 4 करोड़ फीस दे के, 125 करोड़ की समोसे खा करके, 16,000 की थाली लेकर के, उस पर कौन सी माफी मांगोगे? उस पर भी माफी मांग लोगे? और अंत में मैं ये बोलूंगा कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हो, सुकमा के शहीदों के लिए आपके 2 शब्द निकले हैं क्या? क्या इस देश के जो जवान शहीद हो रहे हैं हमारे देश के लिए, आपने उनके पक्ष में 2 लाइन का सांत्वना शब्द बोला क्या? क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उन जवानों पे अटैक करने वालों के साथ साथ दे रहे हो? क्योंकि आप तो भारत तेरे टुकड़े होंगे उसका भी समर्थन कर चुके हो, हम छीन के लेंगे आजादी उसका भी समर्थन कर चुके हो, जिसके बाद कश्मीर में हमारे सैनिक को इधर थप्पड़ पड़ता है, उस पर भी तुम खाली माफी मांग के चले जाओगे क्या? उस पर तुम्हारा क्या बयान है? मनोज जी, इसके पहले आम आदमी पार्टी लगातार ईवीएम पे सवाल उठा रही थी कि ईवीएम खराब है, इस वजह से हम लोग हार रहे हैं, टेम्परिंग हुई है, लेकिन अब ये जो बदलाव आया है इसके पीछे क्या वजह है? आपको लग रहा है कि वो उनको समझ में आ गया कि लोगों को ये चीज पच नहीं रही है लोगों को? हाँ, वो तो देख लिया ना। देखिए, जब गोवा में इनको थप्पड़ लगा थोड़ा सहलाए, पंजाब में लगा तो थोड़ा तिल मिलाए, दिल्ली में लगा तो पहले तो भरभराए फिर गिर पड़े। अब इन जनता को आप लगातार तकलीफ दोगे तो जनता तो आपको सजा देगी। अब इनको, इन्होंने अपने ट्वीट में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात लिखी है कि फाइनली कॉन्स्टेंट इज चेंज, मतलब अंततः जो सबसे निश्चित है वह है परिवर्तन, और वो परिवर्तन हो रहा है। तब इनकी इन ये सारे फिर धुरतई पे उतारू है।